गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं, आई थिंक पांचवी डिस्ट्रिक्ट है हमारी, क्योंकि हमने किया है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कर लिए हैं, शिमला कर लिया है, किन्नौर कर लिया है, लाहौल कर लिया है, ऊना कर लिया है, चार, और ये है पांचवी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। अब जो है आपका ये सेशन है हमीरपुर, इसके बाद जो है हमीरपुर सेशन के बाद अब हम करने जाएंगे, आपका एक सिरमौर रहता है, एक रहता है कुल्लू, देन उसके बाद आपका कुल्लू रहता है, चंबा रहता है, कांगड़ा रहता है। तो कोशिश करूंगी कि मैं इसको भी फटाफट कंप्लीट कर दूं, आपकी एक डिस्ट्रिक्ट जो है सिरमौर, फिर उसके बाद जो है आपकी कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रिक्ट पे जो है विराम लग सकता है, क्योंकि वो मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगी कि क्या रीज़न है, बट कोशिश हमारी पूरी है कि डिस्ट्रिक्ट क्लियर की जाए। तो आज की डिस्ट्रिक्ट ये हैं आपके, आज हम हमीरपुर करने जा रहे हैं, तो इसके फिर वन लाइनर्स हैं। तो किस किस को डिस्ट्रिक्ट, एक दिन आपका सडन टेस्ट होगा कि जितने भी हमने वन लाइनर्स किए हैं उसका एक एक घंटे का सेशन, जिसमें हम पुराने क्वेश्चंस, जितना भी हमीरपुर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो उसके लिए तैयार रहिए। हो सकता है ये सैटरडे को टेस्ट हो, जिसमें हमीरपुर से लेकर शिमला, लाहौल स्पीति सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आए। तो ये सेशन सैटरडे को आपके साथ डील होगा, एक घंटे का। तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, सैटरडे या फ्राइडे कभी भी हो सकता है, पर सडन टेस्ट है ये, मे बी थर्सडे, मे बी फ्राइडे, मे बी सैटरडे, वो आपको थंबनेल में पता चल जाएगा। एंड गेट रेडी फॉर द जितनी डिस्ट्रिक्ट हुई हैं हमारी, क्योंकि आज और कल में हम हमीरपुर ख़त्म करेंगे, छोटा टाइम लूँगी मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और फिर उसके बाद जो है ये सेशन आपका फिर वन लाइनर्स, और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट कंप्लीट हो, पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट फटाफट जो है याद हुई हैं या नहीं हुई हैं ये भी बता देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन, आज हम कर रहे हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। कई लोग यहाँ पे हमीरपुर में रहते हैं, तो उनको पता होगा कि हमीरपुर है क्या, हमीरपुर में क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो ये सारा आपने देखा होगा, एक क्लब एरिया, इस एरिया को तो सभी जानते हैं हमीरपुर। तो आज हम उसका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले हम पार्ट करते हैं ज्योग्राफी। देखिए सबसे पहली चीज़ है ज्योग्राफी पार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी में अगर हम बात करें आपकी, एक सेकेंड, ज्योग्राफी में देखिए ये क्वेश्चंस हो सकता है कि आपका पूछा जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, ज्योग्राफी का जो सेशन है इसमें हम क्या क्या डील करने जा रहे हैं, पहले तो ज्योग्राफी के सेशन में, छोटा सेशन है ये, देखिए छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, करवाने को मैं एक दिन में भी करवा सकती हूँ, अब आप पे है कि आप इसको डाइजेस्ट कर लीजिए साथ साथ फिर उसके बाद जो है हम आपको इसका डिटेल करवा देंगे, मतलब आगे जैसे ही आपके एमसीक्यू सेशन शुरू होंगे उसमें हम रेगुलर डील करेंगे। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले आता है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड कितना है इसका, 31.25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 31, मतलब 25 से लेकर 58 तक आप नॉर्थ में गिरा है, यानी इसका अप डाउन पोजीशन। एंड ईस्ट में जितना है ये, ईस्ट में कितना है 18 से लेकर 44, आप 76 तो वही है, 31 भी है, सिर्फ 25 से 58 और 18 से 44 तक ये घिरा हुआ है। और ये कहाँ पे, हिमाचल के किस पार्ट में जो है, हिमाचल के हमीरपुर किस पार्ट पे लाई करता है, दैट इज़ वेस्टर्न पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस पार्ट पे लाई करता है, दैट इज़ योर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमाचल, जैसे वो ईस्टर्न पार्ट था तो ये आपका वेस्टर्न पार्ट में है। नाउ बॉर्डर्स, ये क्वेश्चन भी बहुत है इंपॉर्टेंस की, किसके साथ सीमा है, ये आपका हमीरपुर है, तो सबसे पहली चीज़ हमीरपुर के नॉर्थ में है कांगड़ा, क्या है आपके कांगड़ा, वेस्ट में क्या है आपके, साउथ में क्या आता है बिलासपुर, ठीक है, कांगड़ा के ऊपर है तो पाँव में है बिलासपुर, ईस्ट में आता है मंडी एंड वेस्ट में आता है ऊना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि टॉप पे है कांगड़ा, कांगड़ा के बाद ही हमीरपुर आता है, हमीर अगर आपको यार कोई भी ट्रेवल करना चाहता है तो कांगड़ा के बाद, अगर हम चंबा से चलें तो चंबा के बाद हमारे लिए, अगर हमें शिमला जाना है तो चंबा से कांगड़ा, कांगड़ा से हमें कोई भी रूट लेते हैं तो पहले कांगड़ा आता है, फिर हमीरपुर आता है, फिर बिलासपुर आता है, एंड देन उसके बाद शिमला आता है, ठीक है। तो कांगड़ा के बाद आता है हमीरपुर, हमीरपुर के बाद आता है बिलासपुर, तो ये हमीरपुर के आगे याद करने का तरीका है, मैंने अपने लिए रखा है, हमीरपुर मेरा सेंटर है, सेंटर ऑफ द हमीरपुर दोनों का सेंटर है, तो हमीरपुर पहले चले ऊपर से कांगड़ा, और नीचे जब हमीरपुर की हमीरपुर क्रॉस किया तो उतराई की तरफ आए तो बिलासपुर, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपके क्या आ गया, बिलासपुर।
ईस्ट की साइड जाएंगे, अगर हम बिलासपुर से, देखिए आपको पता है बिलासपुर की आगे जो आती है एक जगह आती है, बिलासपुर से पहले घागस, ठीक है, घागस से एक टर्न तो जाती है शिमला, तो दूसरी साइड जाती है मंडी, तो इसके ईस्ट में क्या आ गया, मंडी। और अगर हम इसके वेस्ट में जाएं, तो अगर हम इसको ना हमीरपुर ना कांगड़ा, तो हम इसके पंजाब साइड पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऊना। तो याद रखना कि सिंपल सा तरीका है अपने लिए तैयार किया है कि जब भी हमें शिमला बाय शिमला वाले जैसे चंडीगढ़ रूट से नहीं जाना हो, तो कांगड़ा से पहले हमीरपुर, हमीरपुर से बिलासपुर, और फिर बिलासपुर से पहले अगर मंडी जाना है, तो हम बिलासपुर से घागस होते हुए मंडी की तरफ चले जाओ, तो कुल्लू आगे चला जाएगा। तो आंसर इज आपका कांगड़ा। तो ये याद हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। आई होप कि आपको ये तरीका अच्छा, जो जिसकी जो डेस्टिनेशन है, जैसे जो लोग कांगड़ा में रहते हैं, कांगड़ा के बाद आता है हमीरपुर, और जो हमीरपुर रहते हैं, वो हमीरपुर के उनको बैक साइड पीछे जाना पड़ता है, तो दैट इज आप ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, तो कांगड़ा, जब वो नीचे की तरफ जाते हैं तो बिलासपुर। तो इस तरह से वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये बॉर्डर्स हैं इसके, और फिर आता है इसका भूगोल। तो ये मैंने आपको उसका भूगोल दिखा दिया, ये याद रखिए अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, देशांतर होता है लॉन्गिट्यूड, अक्षांश होता है लैटिट्यूड। पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तर में कांगड़ा है, दक्षिण में बिलासपुर है, पूर्व में मंडी है, और पश्चिम में ऊना है। फिर देखते हैं इसका डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स क्या कहता है, डेमोग्राफिक्स होता है जो इसका ये संख्याकी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एरिया, सबसे कम एरिया, अ डिस्ट्रिक्ट विच हैज अ लीस्ट एरिया, सबसे छोटा एरिया है इसका, अ डिस्ट्रिक्ट विच हैज अ लीस्ट एरिया इज हमीरपुर, ठीक है। इसके बाद आता है बिलासपुर का एरिया 1167, ठीक है। तो ये देन उसके बाद अगर हम देखें, तो अगर हमीरपुर और लार्जेस्ट एरिया कौन था डिस्ट्रिक्ट में, वो था आपका लाहौल स्पीति। तो ये क्वेश्चन तो आते हैं ना, स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। फिर आता है सेक्स रेशो, तो सेक्स रेशो है 1095, कितनी है सेक्स रेशो 1095, और आपकी जो है लिटरेसी, लिटरेसी भी जो है वो क्या है 88.15। तो अगर देखा जाए सेक्स रेशियो में भी ये सबसे हाईएस्ट है, लिटरेसी में भी सबसे हाईएस्ट है, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी में भी सबसे हाईएस्ट है। पॉपुलेशन डेंसिटी लीस्ट, सबसे सिर्फ एरिया वाइज है छोटा है, पर हमीरपुर इज द हब फॉर एजुकेशन, एजुकेशन सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पे मिलती है, अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला में है, लेकिन अगर हिमाचल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी कौन कहाँ पे है, हमीरपुर में, और सबसे कम कहाँ पे है, चंबा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आते ही हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, हमीरपुर में, और सबसे कम कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। तो ये भी याद रखना, देखिए अगर वाइस वर्सा करना है ना, जैसे वो वाइस वर्सा करना है, तो लाहौल स्पीति में अगर एरिया ज़्यादा है तो उसका एरिया कम, अगर लाहौल स्पीति में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, देखिए ऊना किस में आता है, हमीरपुर में आता है, हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, सेम थिंग हमीरपुर, तो हमीरपुर में आपकी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा की, आपकी मंडी, शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर, तो हमीरपुर में पड़ता है ऊना एंड हमीरपुर। तो सब डिवीजन्स कितनी है, पांच सब डिवीजन्स कितनी है, पांच, ऊना में कितनी थी, पांच, तो हमीरपुर, बर्सर, नदौन, भोरंज या सुजानपुर, तो HBNBS, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे करें जैसे हम MBBS याद करते हैं, तो हम इसको NBBS कर लेते हैं, H NBBS, नदौन, बर्सर, भोरंज, आपका सुजानपुर और हमीरपुर। MBBS की जगह आप NBBSH कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका नदौन, बर्सर, भोरंज कितनी आ गई, पांच, तहसीलें आठ, कितनी है तहसील, आठ, हमीरपुर है, बर्सर भी है, नदौन भी है, पांच तो है ही है भैया, पांच तो NBBS HSH तो है ही, इसमें कौन सी ऐड हुई, बमसन और धटवाल, धटवाल बिझारी में,
और ये क्वेश्चन आया था कि बिझरी कहाँ की तहसील है, तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी कहाँ की सरहद, तो ये है आपकी हमीरपुर की। सब तहसीलें हैं दो, कांगू और भोटा। भोटा एंड कांगू कहाँ पे पड़ता है आपका? हमीरपुर में। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? वन, ठीक है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, ठीक है। और कौन इससे रिलेटेड है? मिस्टर प्रेम कुमार धूमल, और अभी कौन है? अनुराग ठाकुर। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पाँच है, ठीक है। यहाँ से कितनी असेंबलीज आती हैं? भोरंज आता है जो कि एससी के लिए है, सुजानपुर आता है, हमीरपुर आता है, बड़सर आता है। देखिए ये तो फिर आ गया आपका एच बी बी, बड़सर, भोरंज, नदौन और एच पी। जितनी आपकी सब डिवीजन्स उतनी ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जिला परिषद एक, पंचायत समिति कितनी है? छः। कौन कौन सी आपकी? देखिए यहाँ पे वही आया आपका नदौन, हमीरपुर, सुजानपुर, बमसन, आप ऐसे याद कर लीजिए, और झेली। तो आप इसको ऐसे भी याद करते हो, बी क्यूब, एच और एन और एस, दैट इज बक्सर, भोरंज, बिझारी, हमीरपुर, नदौन और सुजानपुर। नगर परिषद म्यूनसिपल कॉर्पोरस काउंसिल जो है आपकी हमीरपुर एंड सुजानपुर। नगर पंचायत नोटिफाइड एरियाज दो ही हैं, नदौन एंड भोटा। सब तहसील कांगू और भोटा है, तो आपकी नगर पंचायत कितनी है? नदौन एंड भोटा। सब डिविजन्स पाँच है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी पाँच है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एक है आपकी, देन उसके बाद आपकी तहसीलें आठ हैं, सब तहसीलें दो हैं, कांगू एंड भोटा, पंचायत समिति छः हैं, जिसमें आपकी कौन सी याद आ रही है? बी क्यूब एच एन एस, ठीक है। नगर परिषद दो हैं, हमीरपुर एंड सुजानपुर। नेक्स्ट आता है आपका, ये आपका सारा आ गया कि देखिए सब डिविजन्स पांच, तहसीलें आठ, उप तहसीलें दो, कांगू एंड भोटा, संसदीय क्षेत्र पांच यानी सॉरी एक, विधानसभा क्षेत्र पांच जो कि कौन से हैं आपके? बड़सर, भोरंज, नदौन, जो कि आपके वही हैं, ठीक है। जिला परिषद एक जो सब डिविजन्स है वही विधानसभा है, पंचायत समिति छः जिसमें आपका बी क्यू एच एन एस, नगर परिषद दो, नगर पंचायत दो, ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका टेम्पल्स। देखिए ये छोटी सी डिस्ट्रिक्स है, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करने की कोशिश, हिस्ट्री में आज नहीं लूँगी, हिस्ट्री में कल ही लूँगी। हिस्ट्री इसलिए नहीं लेनी है आज क्योंकि फिर आपको हिस्ट्री बोर लगती है कईयों को, तो हिस्ट्री को प्रॉपरली समझना पड़ेगा, पर थोड़ा सा मैं आज आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जरूर करूंगी कि है क्या हिस्ट्री। देखिए टेम्पल्स कौन से हैं, तो टेम्पल्स आपका सबसे पहला तो बाबा बालकनाथ, जिसको दियोट सिद्ध भी बोलते हैं, एंड इट्स द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इट्स फेमस फॉर नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस जिसको आप प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, दियोट सिद्ध इसके लिए फेमस है, और किस रेंज पे पड़ता है? शिवालिक रेंज में। किस रेंज पे पड़ता है ये आपका? शिवालिक हिल्स में, जिसको ट्रेसेस ऑफ शिवा भी बोलते हैं। गस्तोश्वर महादेव टेम्पल, ये इसको हम गसोता में भी बोलते हैं, और गसोता फेयर भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? पांडवाज ने बनाया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ड्योटसिद्ध जिसका नाम है बाबा बालकनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमीरपुर में है। गसोता फेयर कहाँ लगता है? हमीरपुर में लगता है। पांडवाज ने गतोश्वर महादेव का टेम्पल बनाया है, तो ये बेसिक दो टेम्पल्स तो बहुत फेमस है। नेक्स्ट आता है माउंटेन रेंजेस, तो कौन कौन सी माउंटेन? एक तो आती है झाकदार, ठीक है। सबसे लंबी जो है ये है सोला सिंगी, कौन सी है आपकी? सोला सिंगी धार, फिर झाकदार, फिर काली धार, एंड देन इज कॉल्ड एज द चाबूतरा धार। चाबूतरा धार सबसे ड्राइएस्ट एरिया है, चाबूतरा धार जो है ये सबसे ड्राइएस्ट एरिया है, और सोला सिंगी धार को जसवा में क्या कहते थे? चिंतपूर्णी धार, ये याद रखना। सोला सिंगी का एक पार्ट ऊना में भी था। झाकदार जहाँ पे, झाकदार कहाँ से एंटर करती है? नदौन से। कहाँ से एंटर करती है? नदौन से। चाबूतरा धार जो कि ड्राइएस्ट एरिया, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अवा देवी। अवा देवी चोटी भी है और यहाँ पे अवा देवी मंदिर भी है, अवा देवी का मंदिर भी है, तो ये भी आता है। एक और आता है ब्रिज कालेश्वर मंदिर, ब्रिज कालेश्वर मंदिर भी पूछा जाता है, तो ये पड़ता है सुजानपुर और नदौन में, तो इसको हम ज़्यादातर किस डिस्ट्रिक्ट में लेते हैं? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दो मंदिर भी याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है।
ये है आपकी आवा देवी और ये आपका वो पड़ता है ये। और दूसरी चीज हम कर लेते हैं आपकी, ये मंदिर आ गए, इससे मैं आपको रिवर्स बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है हमीरपुर में कौन सी रिवर बहती है, हमीरपुर में भी ब्यास रिवर बहती है लेकिन किसी ट्रिब्यूटरीज की वजह से, ब्यास नदी। ठीक है, इसमें जो है खड़ बहती है, जैसे सुकर खड़, सुकेर खड़, मुंडकर खड़, जो कि क्या बनाती है, सीर खड़। क्या बनाती है आपकी, सीर खड़। ये कहाँ पे ज्वाइन करती है, सीर खड़ में, तो ये याद रखना। कुना खड़, ये क्या है आपकी, कुना खड़। एक और बता देती हूँ, नॉर्थ वेस्ट में है मान खड़, ये नॉर्थ वेस्ट में आती है आपकी। सॉरी, मान खड़ ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमीरपुर आती है, वेस्ट पार्ट में है आपकी। और आपकी बकेर खड़ जो है, बकेर खड़ ये आपकी आती है ईस्टर्न पार्ट में। ये सारी खड़ कहाँ पे ज्वाइन करती है, किसको ज्वाइन करती है, ब्यास नदी को। किसको करती है, ब्यास नदी को। ठीक है, रिवर को, रिवर ही कर देती हूँ, रिवर को। ठीक है, ये याद रखना, सुकर खड़, सीर खड़। और ये जो सीर खड़ है, देखिए यहाँ पे एक ब्यास भी फॉलो करती है और एक आपकी सतलुज भी करती है। कुना खड़, मान खड़ और बेकर खड़, ये आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरीज मान लीजिए। या लेकिन सुकर खड़ और मुंडकर खड़ ये सीर खड़ बनाती है, तो ये किसको फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है सतलुज। ये किसके साथ ज्वाइन करती है, सतलुज नदी के साथ। तो ये याद रखना, सुकेर और मुंडकर जब ज्वाइन करती है तो सीर खड़ बनाती है, ये सीर खड़ जब फ्लो करती है तो किसके साथ ज्वाइन करती है, सतलुज के साथ। ये किसके साथ ज्वाइन करती है, सतलुज। जबकि कुना खड़, मान खड़, बकर खड़ जो है ये किसके साथ ज्वाइन करती है, ब्यास। तो इसकी दो नदियां कौन सी आ गई, ब्यास एंड सतलुज। यहाँ पे उनकी वो खज बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और सीर खड़ जो है बाद में किसके, देखिए सुकर खड़ जो है सतलुज के साथ ज्वाइन करती है, सुकर किसके साथ बॉर्डर बनाती है, बिलासपुर के साथ। ठीक है, और सीर खड़ किसके साथ बॉर्डर बनाती है, मंडी के साथ। ये याद रखना, सीर खड़, क्योंकि ये दब दोनों ज्वाइन करती है तो सीर खड़, और ये सीर खड़ सतलुज के साथ ज्वाइन करती है बाद में, ये किसके किसकी बाउंड्री लाइन में है, मंडी की बाउंड्री, क्योंकि सतलुज ब्यास नदी वहां पे, और सतलुज और ब्यास के बेसिस पे ही देहर पावर प्रोजेक्ट है। तो ये याद रखना, सीर खड़ बॉर्डर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट टू। ये जो सीर खड़ है ये किसकी बॉर्डर बनाती है, मंडी को हमीरपुर से जोड़ती है, जबकि सुकेर खड़ किसको जोड़ती है, बिलासपुर को जोड़ती है। ये याद रखना, हमीरपुर को बिलासपुर से कौन जोड़ती है, सुकेर खड़। सुकेर और मुंडकर जो है सीर खड़ बनाती है, जो कि क्या बनाती है, सतलुज। और सीर खड़ ही जो है ये किसकी बाउंड्री बनाती है, मंडी और शिमला की। ठीक है, सॉरी, मंडी और हमीरपुर की। कुना खड़, मान खड़ और बेकर खड़ ये ब्यास के साथ है। तो याद रखना ये चीज, आपका सुकेर और मुंडकर खड़, सुकेर खड़ जो है बिलासपुर और बॉर्डर उसके साथ बनाती है, सिकेर और मुंडकर जब ज्वाइन करती है तो सीर खड़। और याद रखना एक और चीज़, सीर खड़ से मैं आपको बता दूं, सीर खड़ में आपने देखा था कि वीर सैन ने सीर खड़ पे विजय पाई थी। सीर खड़ बाउंड्री किसने बनाई थी, वीर सैन ने, जो कि कहाँ का राजा था, सुकेत का राजा था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मिससेलिनियस है ये, पक्का भारू। ये आपको पता होना चाहिए कि पक्का भारू क्या है, जो आपका ये एच पी एस एस सी यानी 1998 में बना था, के एल मल्होत्रा वॉज द फर्स्ट चेयरमैन। ये कहाँ पे है, ये हमीरपुर में है। तो हमीरपुर की किस जगह पे है पक्का भारू, ढूंगरी जो है ये भोरंज में है, पक्का पड़ो में आपका इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, ताल इज फेमस फॉर शिप ब्रीडिंग एंड मिल्क चिलिंग प्लांट। 1978 में कहाँ पे लगा था, जल्लाड़ी। एक जलेड़ा भी पड़ा था आपने, जलेड़ा में मिल्क चिलिंग प्लांट है, लेकिन वो कहाँ पे है, ऊना में, पबोवाल में भी था। तो ये सारी चीजें याद रखना कि जो आपका स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है वो कहाँ पे है, पक्का भाड़ो में, पक्का पड़ो में है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, भोरंज में है ढूंगरी, और आपका इसका ताल में है शिप ब्रीडिंग फार्म, और वैसे और कहाँ कहाँ पे है, ज्योड़ी में है, करछम में है और सरोल में। ठीक है, तो ये है आपका आज का सेशन, जो कि आप एक छोटा सेशन था। फिर हम करते हैं आपकी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का जो पार्ट है ये आपका, आई थिंक इसमें कुछ और आ गया है, जस्ट वेट।
एक मिनट, जस्ट वेट। देखिए आज जो हम करने जा रहे हैं ना हमीरपुर, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमीरपुर की डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर जो थी ये किसकी बाई ट्राइफोकेशन है, ये कांगड़ा की ही है। कांगड़ा में हमीरचंद ने काफी साल रूल करने के बाद क्या बनाया, हमीरपुर। यहाँ पे हमीरपुर बनाया था, इसने एक हमीर फोर्ट बनाया जिसके बेसिस पे हमीरचंद ने जो है हमीरपुर बनाया था। ये सेशन, ये वाला सेशन जो है हम आपके साथ कल हमीरपुर डिस्कस करेंगे, तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया। मैं अभी आपके आगे डिस्ट्रिक्ट के बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ही जिसको बोल सकते हैं थोड़ा जो कंटेंट है इसको और डिटेल वर्शंस में जो है मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, बाद में इन द सेंस कि जब लाइव सेशंस आपके शुरू होंगे। अभी आप इनको कीजिए, फिर एमसीक्यूज में हम इसकी और डिटेल्स को फॉलो करेंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, हम हिस्ट्री जो है वो कल करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल हिस्ट्री के सेशन में।